हाय गाइस, बी टाउन ऑफ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जो न्यूज़ सामने आ रही है वो न्यूज़ सुन के सलमान खान और दीपिका पादुकोण के फैंस बहुत ही खुश होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी अरसों से बॉलीवुड के ए लिस्ट एक्टर और एक्ट्रेस एक साथ देखने के लिए फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। जी हाँ दोस्तों, अब तक सलमान खान और दीपिका पादुकोण ने एक साथ कोई भी फिल्म के अंदर काम नहीं किया, लेकिन दोस्तों किक 2 जो कि सलमान खान का जो कमबैक प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जो कि पिछले कई सालों से उस फिल्म पर स्टोरी पर काम चालू था, और दोस्तों हाल ही में साजिद नडियाडवाला ने उस फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट कर दी है। और दोस्तों क्या है पूरा न्यूज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही न्यूज़ जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछली कई सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा बिजनेस नहीं किया सलमान खान की, लेकिन दोस्तों टाइगर 3 फिल्म जो जब भी आएगी सलमान खान का एक पावर पैक कमबैक रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों उस फिल्म के अंदर जो VFX और दोस्तों सलमान खान और शाहरुख खान का जो सीन है एक साथ एक्शन का, वो बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों उस सीन के लिए YRF ने पूरे 35 करोड़ रुपए लगाए हैं। और दोस्तों जब भी सलमान खान टाइगर बन के बड़ी स्क्रीन पर आए हैं, बॉक्स ऑफिस पर नई तबाही मचाई है। और दोस्तों जोया उस फिल्म के अंदर जोया भी जबरदस्त एक्शन करती नजर आएंगी, और दोस्तों शाहरुख खान भी देखने को मिलेंगे। ये सीन जब भी थिएटर पर आएगा समझ लो 500-600 करोड़ कहीं नहीं है। लेकिन दोस्तों उससे बड़ी जो न्यूज़ सामने आ रही है कि उसके बाद सलमान खान कौन सी फिल्म करने वाला है, तो दोस्तों 99% किक 2 फिल्म रहेगी, वो भी एक्शन और थ्रिल से भरपूर रहने वाली है। और दोस्तों पार्ट 1 फिल्म के अंदर हमें सलमान खान के ऑपोजिट हमें जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों पार्ट 2 फिल्म के अंदर रिपोर्ट के अनुसार हमें दीपिका पादुकोण सलमान खान के साथ रोमांस करती पहली बार नजर आएगी। और दोस्तों फैंस इन दोनों स्टार को एक साथ देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे, स्पेशली मैं। और दोस्तों सलमान खान बॉलीवुड के नंबर 1 एक्टर है, वहीं दोस्तों दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस है। ये दोनों एक साथ आएंगे तो तबाही तो फाइनल है, और दोस्तों स्क्रिप्ट भी बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों इस फिल्म के अंदर हमें नेगेटिव रोल करते नजर आ सकते हैं जॉन अब्राहम। जी हाँ दोस्तों, जॉन अब्राहम और सलमान खान ने भी एक भी फिल्म के अंदर काम नहीं किया, लेकिन दोस्तों किक 2 फिल्म के अंदर ये 3 की जोड़ी बॉक्स ऑफिस को हिलाने के लिए काफ़ी है। दोस्तों जिस तरह से इस फिल्म का बज पहले से बना हुआ है, उस हिसाब से दोस्तों सलमान खान इस फिल्म के अंदर भी संकी यानी कि डेविल का किरदार करते नजर आएंगे, जो कि फैंस को बहुत ही पसंद आया था। और दोस्तों वही किरदार को इस फिल्म के अंदर आगे दोहराया जाएगा, लेकिन दोस्तों स्टोरी बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर रहने वाली है। और दोस्तों साजिद नडियाडवाला ऐसी स्टोरी के लिए जाने जाते हैं, उनकी जो स्टोरी रहती है वो यंगस्टर को बहुत ही पसंद आती है। रिपोर्ट के अनुसार ये फिल्म 2024 में रेडी हो सकती है। दोस्तों अगर दोस्तों ये फिल्म ईद के मौके पर आई तो समझ लेना पठान, टाइगर और दोस्तों बाहुबली जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड आराम से टूटने वाला है। तो दोस्तों ये न्यूज़ के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना।